हेलो गाइस, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपने जो ऐप है बिल्ड करी थी उसकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है मोनेटाइजेशन की हो गई, या फिर उसके ऐप को आप कैसे एडिट कर सकते हो उसके कैप्शन डिस्क्रिप्शन चेंज करके या फिर कलर उसका थीम कलर चेंज करके। ठीक है, तो वो सारा हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको जो वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट पे जो आपकी ऐप आपने डिज़ाइन करी है डेवलप करी है ऐप गीजर के थ्रू, उसको आप कैसे पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे। प्ले स्टोर पर आप अगर आपको एप्लीकेशन अपनी पब्लिश करनी है तो हमने आपको बता दिया था कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जस्ट आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है उसमें, और उसकी जो $25 फीस होती है वो पे करने के बाद आप अपनी ऐप अपलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर। बाकी अगर आपको जो वेबसाइट पर अगर अपनी जो ऐप है फ्री में पब्लिश करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा अगर आप नहीं देना चाहते शुरू में, अगर आपकी ऐप अच्छी खासी चल जाती है वो उसको बाद में पब्लिश करना चाहते हैं प्ले स्टोर पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे जो है फ्री पे अपना एक पब्लिश करेंगे। ठीक है, इसको ये आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए आपको अब जो पब्लिश करनी है आप, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका जो है आपका जो सी पैनल होगा वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। जैसे कि आपका वेबसाइट प्लानिंग क्रिएशन में देखा था आपने कि कैसे आप इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट पे, और सी पैनल में आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अपने सी पैनल होस्टिंग का जो सी पैनल होता है उसमें आ गया, फाइल मैनेजर में जाएंगे हम, जो कि हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है अपलोड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने उसमें आएंगे फोल्डर में, वो आप किसी भी फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो हम मीडिया में अपलोड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे और जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी थी उसको अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे, तो एक बार इसको अपलोड होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी है पूरी, तो अभी हम सिंपल जो इसका यूआरएल, एक बार इसको एप्लीकेशन का भी रीनेम कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसको ऐप डॉट कर देते हैं, ऐप डॉट ए पी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने एप्लीकेशन अपलोड करी है वो लिंक ओपन करने से डाउनलोड हो रही कि नहीं हो रही। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपका इंस्टॉल है, यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है डाउनलोड हो रही है प्रॉपरली। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको जो ये लिंक है अपना कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट पे, तो सबसे पहले जो है एक बार इस हम इमेजेस एक बार जो डाउनलोड ऐप की इमेज होगी वो भी एक बार यहाँ से गूगल से कॉपी कर लेते हैं। तो सीधा जो आपकी जो इमेज होगी वो हम एज अ बटन प्लेस करेंगे अपनी वेबसाइट पर, ताकि कोई भी उस बटन पर क्लिक करेगा सीधा वो डाउनलोड ऐप पे रीडायरेक्ट हो जाए। अगर आपको अपनी जो ऐप है पब्लिश करी आपने गूगल प्ले स्टोर पे, तो उससे अगर वो चाहते हैं तो वो भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल नॉर्मल नॉर्मल इमेज चाहिए तो वो भी, जैसे ये आपके डाउनलोड दिया ऐप, इसको हम इमेज को कॉपी करेंगे। तो मान लीजिए अबाउट अस में यहाँ पे किसी भी पेज में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और चाहते हैं तो नीचे फुटर में भी डाल सकते हैं इसको। सिर्फ आपको जो कोड अपना जो कॉपी पेस्ट करना होगा, एडिट पेज में यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो है हम इसको प्लेस करेंगे, यहाँ पे हमने इमेज जो है अपनी पेस्ट करी, उसको जो साइज है स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो हमें लिंक करना, पहले जो हमने लिंक क्रिएट करा था इस पे जाएंगे हम, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और जो आपका जो यूआरएल होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा ऐप का लिंक था वो कनेक्ट हो गया इस ईमेल से, तो इसको अपडेट कर देंगे हम, इसको रिफ्रेश करेंगे हम। ठीक है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका बटन था डाउनलोड ऐप का वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो कोई भी जैसे आपकी वेबसाइट पे जाएगा और सीधा इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसके जो मोबाइल में होगी ऐप डाउनलोड शुरू हो जाएगी डायरेक्टली। तो
डकली इंस्टॉल होने के बाद वो इस ऐप को यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, इस तो ये आप जो नॉर्मल ट्यूटोरियल था वेबसाइट क्रिएट कैसे करनी है, और अगर आपको ऐप स्टोर पे पब्लिश करनी है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं उसको, या फिर अगर आपको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा चाहते हैं कि पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद मैं पब्लिश करूँगा प्ले स्टोर पर। क्योंकि ध्यान रखिए गाइस, अगर आप पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पर और उसकी नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं तो आपकी जो ऐप है वहाँ से हट जाएगी। तो ऐसा होने से अच्छा पहले आप इसको वेबसाइट पर डाल के उसको चेक कर लें, 10 15 20 डाउनलोड्स हो रहे हैं, इंस्टॉल्स होने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या उसमें यूज़र्स आपको जो कमी है वो बता रहे हैं। टेस्ट करने के बाद तो आपकी जब आपको लगे कि हाँ आपकी जो वेबसाइट जो ऐप है प्रॉपर डेवलप हो चुकी है, फिर आप उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दें ताकि जो रिव्यूज़ होंगे यूज़र्स के वो भी आपको अच्छे मिलेंगे वहाँ पर, और जो इंक्रीजिबिलिटी होगी, विजिबिलिटी होगी आपकी जो ऐप की वहाँ पर इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इस तो नॉर्मली आपका जो था कवर हो चुका है सारा इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।